नमस्कार, मैं मंजू मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा, उसके कंपोनेंट्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और हमने उसमें देखा था कंपोनेंट में कि उसका मेन कंपोनेंट क्या है, इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहला इनपुट डिवाइस की परिभाषा पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा हम डेटा, कमांड या प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं, इनपुट करते हैं। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड एंड यूज़र रिस्पांस इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कि एक ऐसा हार्डवेयर कंप्यूटर जिसके द्वारा डेटा दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है, कमांड्स दी जाती हैं या फिर यूज़र अपना रिस्पॉन्स देता है कंप्यूटर को, इसे कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, स्कैनर, ये सारे एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे MICR इत्यादि। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था यूज़ होना, जब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी नहीं था, उस समय भी अगर कोई इनपुट डिवाइसेस यूज़ आता था तो वो था सिर्फ कीबोर्ड, उस समय माउस नहीं होते थे। तो ये हमारा सबसे पहला इनपुट डिवाइसेस था जो कंप्यूटर के साथ यूज़ आता था। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड में एक बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं और उन कीज़ को दबा के हम लोग डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन कीज़ यूज़र प्रेस टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर कीज़ होती हैं, उन कीज़ को हम प्रेस करते हैं ताकि डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर कर सके कंप्यूटर में। यू एंटर मोस्ट इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर बाई यूजिंग अ कीबोर्ड। दिस इनपुट मैथड इज सिमिलर टू टाइपिंग और न टाइपराइटर। हम ज़्यादातर डेटा जो भी कंप्यूटर को देते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा देते हैं और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे टाइपराइटर से डेटा टाइप करना होता है। ये हमारे कीबोर्ड का डायग्राम है, ये सब हमने देखा ही होगा। ये QWERTY कीबोर्ड है। विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है ये QWERTY वाला कीबोर्ड है। इसको QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली वाली लाइन में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो QWERTY हैं। इसमें कीज़ बताई हैं कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ही ऊपर एस्केप्स की होती हैं, जो ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F12 तक जो कीज़ दिख रही हैं ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। बैक स्पेस की होती हैं पीछे मिटाने के लिए, ये नेविगेशन कीज़ होती हैं इधर उधर जाने के लिए, ये डायरेक्शनल कीज़ होती हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए, और साइड में ये न्यूमेरिक कीपैड है जिसमें अगर हमें सिर्फ नंबर एंटर करना हो तो हम इस कीपैड को यूज़ कर लेते हैं, तो हमें कम हाथ मूव करके हम हमारा न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हैं। इसी प्रकार कंट्रोल और ऑल्ट की हैं, बाकी जो बची हुई है वो हमारी क्या है, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब कुछ हैं। अब कीज़ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूमेरिक कीपैड है तो इसके अंदर क्या होता है कि हर जो भी हमें नंबर्स डालने, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो इसके द्वारा करते हैं। नेविगेशन कीज़ के लिए क्या है कि पेज के ऊपर नीचे पलटने के लिए, फाइल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के लिए इसका यूज़ होता है। एडिटिंग कीज़ से के द्वारा क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ डिलीट करनी है या इंसर्ट करनी है तो उसको हम यूज़ करते हैं। डायरेक्शनल कीज़ से हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जाते हैं बटन से। फंक्शन कीज़ से हम क्या करते हैं, फंक्शन कीज़ प्रोग्राम्स के अनुसार फंक्शन करती हैं। जैसे F1 ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हेल्प के लिए यूज़ आती है, तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम इनके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, डिफ़र हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एस्केप कीज़ के लिए क्या होता है कि अगर हमें कोई भी एक्टिव प्रोग्राम, जो प्रोग्राम अभी यूज़ कर रहे हैं उससे बाहर जाना है तो हम इस कीज़ का, इस वाली की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एंड ऑल्टर की है, ये दोनों कीज़ किसी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल या कोई एक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। हमें कोई उसे एक्शन देना है, उसे कुछ कंट्रोल करना है तो ये वाली कीज़ हम यूज़ करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड। अलग अल तरीके की कीज़ होती है, जैसे हमने अभी देखा अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक होते हैं, खाली न्यूमेरिक पैड जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं, कुछ मॉडिफायर्स कीज़ होती हैं, कुछ कर्सर कीज़ होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं वो कीबोर्ड के बीच में होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z नंबर होते हैं 0 to 9, और ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इस ब्लॉक में हम नंबर्स, सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स के अलावा चार और कीज़ आती हैं, वो होती है टैप स्पेस देने के लिए, कैप्स कैपिटल करने के लिए,
बैक स्पेस मिटाने के लिए एंटर, नई लाइन में जाने के लिए। ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ का डायग्राम है, और ये है नीचे वाला न्यूमेरिक कीपैड का। इसमें नंबर्स होते हैं, इसमें 17 कीज़ होती हैं जिनमें से 0 to 9 तक नंबर्स होते हैं, फिर ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ठीक है। ये सारी एंटर कीज़ इसके अंदर होती है न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर। फिर है हमारी फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में F1 से F12 तक की कीज़ आती हैं। ये कीज़ कमांड्स के शॉर्टकट के रूप में भी यूज़ आती है, और इन कीज़ का काम सॉफ्टवेयर्स के अनुसार चेंज होता रहता है। मतलब हर की का मतलब हर सॉफ्टवेयर में अलग होता है। कुछ होती हैं स्पेशल पर्पज़ की, ये क्या होती हैं, ये कुछ अलग काम करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे स्लीप के लिए, पावर के लिए, वॉल्यूम के लिए, स्टार्ट के लिए, शॉर्टकट के लिए। ऐसी एस्केप की है, टैब की है, इंसर्ट है, होम है, एंड है, डिलीट है। ये सारी कीज़ क्या हैं, कुछ अलग से काम करने के लिए होती हैं, जो कुछ अलग तरीके के काम के लिए ये कीज़ यूज़ आती हैं। फिर होती हैं मॉडिफायर कीज़। ये तीन कीज़ को हम मॉडिफायर्स कीज़ कहते हैं। कौन कौन सी, शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। इनको अकेला दबाने से कोई खास यूज़ नहीं होता, पर इनको किसी और कीज़ के साथ यूज़ करने से इनका डेटा बदल जाता है, इनको हम कहते हैं मॉडिफायर कीज़। फिर होती हैं कर्सर कीज़। इसमें आते हैं चार चीज़, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले डायरेक्शन वाली कीज़, इससे हम स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है हमारा माउस। माउस जैसे हमारे माउस होता है बिल्कुल वैसा छोटा सा एक माउस होता है, जिसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं और मूव करते हैं फ्लैट सरफेस पे। साधारण माउस आम तौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नज़र आता है। ये छोटा सा होता है, थोड़ा सा आयतकार शेप का होता है, जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ये आजकल वायरलेस माउस भी आने लग गए हैं, पहले वायर्ड माउस आते थे। दोनों तरीके के माउस आज भी यूज़ हो रहे हैं। एक कंप्यूटर माउस कुछ इस प्रकार का हो सकता है। मतलब क्या होता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे हाथ के अंदर फिट हो जाता है, और इसको हम इसके द्वारा हम पॉइंटर को कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं हमारे काम को। इसको हम कहते हैं माउस। तो माउस क्या है, हमारे हाथ जितना एक डिवाइस है उसके नीचे एक बॉल होती है। जब हम माउस को घुमा रहे होते हैं तो वो बॉल मूव कर रही होती है, और ये माउस जो होता है वो कंप्यूटर के केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर दो बटन होते हैं ऊपर की तरफ, जिसको हम क्लिक करके काम कर सकते हैं। एक राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक की तरह काम करता है। माउस आजकल बहुत सारे शेप्स और साइजेस में आता है, पर माउस को हमें क्या करना पड़ता है, एक स्मूथ सरफेस पे घुमाना पड़ता है। इसमें नीचे बॉल होती है जिससे वो घूम सके। तो ये क्या होता है, पॉइंटर डिवाइस। मतलब हम इसको स्क्रीन पर इसके थ्रू पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में माउस एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। जहाँ जहाँ हम इसको फ्लैट सरफेस पे मूव कर रहे होंगे, वैसा वैसा पॉइंटर हमारा स्क्रीन पर मूव हो रहा होगा। विद द माउस वी कैन ड्रॉ, सेलेक्ट फ्रॉम अ मेन्यू एंड मॉडिफाई और मूव टेक्स्ट। माउस की मदद से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यू इशू कमांड बाय पॉइंटिंग विद द पॉइंटर एंड क्लिकिंग अ माउस बटन। जैसे हम माउस की सहायता से पॉइंटर को मूव करेंगे, और इससे हम चाहेंगे तो हम क्लिक भी कर सकते हैं। इससे हमारे थोड़े टाइपिंग एरर्स कम हो जाते हैं, हमारे कंप्यूटर को यूज़ करना थोड़ा इससे आसान हो जाता है। माउस तीन प्रकार के आते हैं, जैसे मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, जो सबसे पहले आए थे वो थे हमारे मैकेनिकल माउस। फिर उसमें बॉल होती थी। जो ऑप्टिकल माउस है उसमें बॉल नहीं होता, उसमें सिर्फ सेंसर होती है। और आजकल और एडवांस आने लग गए हैं वायरलेस माउस, जिसमें वायर्ड से कनेक्ट नहीं होता, वो वायरलेस होता है। मैकेनिकल माउस, द माउस दैट कंटेन अ मेटल और अ रबर बॉल ऑन इट्स अपर साइड। When the ball is rolled in any direction, sensor inside the mouse detect and this motion and move the on-screen mouse pointer in the same direction. इसके अंदर एक बॉल होती है, जब हम माउस को घुमा रहे होते हैं तो उस बॉल की मूवमेंट की वजह से स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है। एक ऑप्टिकल माउस, सेकेंड टाइप का जो माउस होता है वो आता है ऑप्टिकल माउस। इस ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, नीचे से लेज़र लाइट निकल रही होती है, और ये क्या करती है, लेज़र लाइट क्या करती है, मूवमेंट को डिटेक्ट करती है सरफेस पे, और उसी के हिसाब से स्क्रीन पर कर्सर मूव होता है। फिर थर्ड टाइप का है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होता है वो क्या होता है, इसमें वायर्ड से कनेक्टेड नहीं होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज के द्वारा कनेक्ट होता है और उसी के थ्रू वर्क करता है।
इसमें एक क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है जिसके थ्रू सिग्नल्स कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। ये पहला वाला जो है हमारा, ये मैकेनिकल माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है और ये वायरलेस माउस है। इसमें जो सेकेंड पार्ट है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर हुआ। ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो पेन ड्राइव USB पोर्ट है, उसको हम सिस्टम पर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, एक स्टिक सी होती है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं और हमारे हिसाब से उसको मूव कर सकते हैं। उसके ऊपर एक बटन होता है जिसको हम क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है। अ जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑफन यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। और मोस्टली जॉयस्टिक किस में काम आती है, गेम्स प्ले करने में काम आती है, ये रोबोट कंट्रोल करने में भी काम आती है, ये हमारे फ्लाइट्स जो होती हैं उनमें भी यही काम आती है। तो जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि गेम्स खेलने में काम आती है। जॉयस्टिक हैज़ अ गियर शिफ्ट लाइक अ लीवर दैट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर एक गियर जैसा लीवर होता है जिसको मूव करके हम स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करते हैं। ऑन मोस्ट जॉयस्टिक अ बटन ऑन द टॉप इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन। जॉयस्टिक के जो गियर जैसी चीज़ होती है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक बटन होता है, उस बटन को हम दबाकर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉयस्टिक आर यूज्ड टू कंट्रोल रोबोट्स। ये रोबोट्स को कंट्रोल में काम रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ आती है, फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ आती है और कई सारी जगह ये जॉयस्टिक्स यूज़ आती है। जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का यूज़ इस्तेमाल कंप्यूटर में गेम खेलते वक्त करते हैं। जॉयस्टिक को चारों दिशा की बराबर जानकारी होती है, मतलब हम उसे बिल्कुल सर्कुलर वे में घुमा सकते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पर अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर की मदद से स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है या हमारा कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम स्कैनर में स्कैन करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। मतलब उस हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में बदल लेते हैं। जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है वैसे ही स्कैनर होता है। इसमें लेज़र लाइट होती है जो ऊपर से नीचे मूव कर रही होती है, वो फ्लैट बेड स्कैनर में बिल्कुल किसकी तरह होती है, फोटोकॉपियर मशीन की तरह होती है। और इसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने के लिए जब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट इसी के थ्रू हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किए जाते हैं। मतलब इसी के थ्रू हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं और जब हमें फॉर्म भरना है तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। अ स्कैनर इज़ यूज टू कॉपी पिक्चर और अदर थिंग्स एंड सेव दैम एज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। स्कैनर किसी भी पिक्चर को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी की तरह कंप्यूटर में सेव कर सकता है। अ स्कैनर सिमिलर टू फोटोकॉपियर एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट यू प्लेस ऑन इट, यू गेट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी विच अपियर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। स्कैनर जो होता है ये हमारा फोटोकॉपियर की तरह ही होता है, पर फोटोकॉपी में तो क्या होता है, हमारे पेजेस जो जिस चीज़ की हम फोटोकॉपी कराना चाह रहे हैं उसका आउटपुट हमें पेजेस पे मिलता है, मतलब कॉपीज़ हमें पेजेस में मिलती है। इसके अंदर कॉपी हमें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलती है और वो कॉपी हमें किसे मिलती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं उस कॉपी को, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलती है जिसे हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ हार्ड कॉपी फाइल यानी कि प्रिंटेड पेपर टू अ सॉफ्ट कॉपी फाइल यानी कि इमेज और डिस्प्ले फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इस डिवाइस के थ्रू हम हार्ड कॉपी फाइल को सॉफ्ट कॉपी फाइल में कन्वर्ट कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैनर्स हैं, फ्लैट बेड स्कैनर आता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर में हम डॉक्यूमेंट को इसके ऊपर रख देते हैं और वो अपने आप स्कैन हो जाती है। हैंड हेल्ड स्कैनर में हमें स्कैनर को मूव करना होता है। अगर डॉक्यूमेंट बड़ा है तो हम फ्लैट बेड स्कैनर यूज़ करते हैं और डॉक्यूमेंट छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है, तो हम हैंड हेल्ड स्कैनर यूज़ करते हैं। तो फ्लैट बेड स्कैनर इस प्रकार का स्कैनर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें पेपर हाई इमेज में ऑटोमेटिक स्कैन हो जाती है। इस पर कांच की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम पेपर को रखते हैं और ये स्कैनर सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। हैंडल स्कैनर में क्या होता है, एक छोटा, ये छोटा होता है, अगर हमें कोई छोटा पेपर स्कैन करना है तो उसको हम हाथ में पकड़ के उसको मैन्युअली स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू।